हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रोइंग विद निमिर। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम डूइंग लक्षद्वीप ट्रैवल सीरीज ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग growingwithnimir.com एंड दिस इज व्लॉग 2। और इस व्लॉग में आप देखेंगे कैसे पहुंचे हम कोची से लक्षद्वीप। फर्स्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था हम कैसे पहुंचे कोची फ्रॉम बेंगलुरु, जिसके लिए हमने ली थी ओवरनाइट ट्रेन। और साथ ही में मैंने शेयर किया था कि एयरपोर्ट के पास आप कहाँ स्टे कर सकते हैं कोची में। तो एक दिन हमने कोची में स्पेंड किया और नेक्स्ट डे हम निकल गए कोची एयरपोर्ट अपनी लक्षद्वीप की फ़्लाइट लेने के लिए। हमने स्टे किया था लोटस 8 एयरपोर्ट होटल में, जो कि एयरपोर्ट से जस्ट 5 मिनट्स की दूरी पर है। और ये प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कैब फॉर एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप। हमारी फ़्लाइट थी 8:55 AM की और हम बड़े आराम से एयरपोर्ट पहुंच गए थे अराउंड 7:15 पे। चेक इन में भी बिल्कुल भी नहीं थी और 10 मिनट्स में हमने चेक इन कर लिया। और सिक्योरिटी चेक में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमारे पास आराम से 1 आवर था एयरपोर्ट पे स्पेंड करने के लिए। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी लक्षद्वीप जाने की कि वहाँ एयरपोर्ट पे वेट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमने करी थोड़ी विंडो शॉपिंग, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी वहाँ, मेरा तो मन कर रहा था सब कुछ ले लूँ, बट मैंने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया और सिर्फ नेमित ने अपने लिए बाय करी एक बुक। सो बुक लवर हैज़ गॉट अ बुक, व्हिच बुक हैव यू गॉट, शो मी। हाँ, और सीधा आगे देख के चलना है, डस्टबिन में नहीं घुस जाना। तो दिस इज कोची एयरपोर्ट। आई थिंक हम यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम 2017 में आए थे। हाँ, डिपार्चर में नहीं थे हम। हमारे पास काफी टाइम था तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए हमने बनाई ये एक रील। माय टुडेज स्टोरी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो हमारी फ़्लाइट कुछ 1 आवर 15 मिनट्स डिलेट थी, जिसकी वजह से नियमित बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। बट जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट हुई, उसका एक्साइटमेंट लेवल आसमान छू रहा था। उसका क्या, हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। छोटा है मम्मी, छोटू सा है। और ये 5 मिनट्स की बस राइड के बाद हम पहुंच गए अपने प्लेन के पास। बहुत ही छोटू सा, बहुत ही क्यूट सा प्लेन था। आई डोंट रिमेम्बर इतने छोटे प्लेन में हम इससे पहले कभी बैठे हैं। आई थिंक ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लक्षद्वीप के लिए फ़्लाइट बुकिंग की सारी डिटेल्स मैंने अपने इस ब्लॉग में शेयर की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। और साथ ही में आप चेक कर सकते हैं ये वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किया है डिफरेंट वेज टू रीच लक्षद्वीप। इसका लिंक आपको यहाँ टॉप राइट साइड में मिल जाएगा, सो चेक इट आउट। ओके, अब जैसे ही हमने फ़्लाइट में एंटर किया, मुझे एयर होस्टेस ने बोला कैमरा ऑफ़ करने के लिए, और उन्होंने मुझे मना किया फ़्लाइट के अंदर की कोई भी वीडियो बनाने के लिए। आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट आई एग्री टू हर एंड मैंने अंदर का कुछ शूट नहीं किया। जस्ट ये एक क्लिप जो हमने अपने मेमोरी के लिए बनाई थी और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये 1 आवर 20 मिनट्स की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं अगती आइलैंड लक्षद्वीप। बहुत ही छोटा सा एयर स्ट्रिप है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल। ये वापस जाएंगे ना, इनको जाना वापस जाना 10:30। हाँ, ये लोग बंगारम जा रहे हैं।
बच्चा गिर रहा है, बोतल गिर रहा है, सामान गिर रहा है, सब गिर रहे हैं। यहाँ का एयरपोर्ट बाकी दूसरे एयरपोर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे आपको 15 टू 30 मिनट्स वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, लाइक योर एंट्री परमिट, योर रिटर्न फ्लाइट टिकट्स एंड योर होटल बुकिंग। Everything is done. Very good for the bag. So, Banga, dikhana kya mila hai? Kuch nahi mila. Kuch diya nahi hai. They just checked it. और इसके बाद यू विल मूव ऑन टू दी अदर रूम, जहाँ पे आपको फिर से थोड़ा वेट करना पड़ेगा फॉर योर लगेज। यहाँ से लगेज कलेक्ट करने के बाद दे विल गाइड यू टू द कैब विच विल देन टेक यू टू द जेटी, जहाँ से आप बोट लेंगे अपनी ऑनवर्ड जर्नी के लिए। मतलब आपको जिस भी आइलैंड पे जाना है नेक्स्ट, वहाँ के लिए आपको बोट मिलेगी। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है, हमें भी थी, कि हाउ टू डू द बुकिंग्स। शुड वी डू इट ऑन आर ओन थ्रू द गवर्नमेंट वेबसाइट और शुड वी बुक थ्रू अ ट्रैवल एजेंट? तो हमने इस डाउट को क्लियर किया विद अ पर्सन हु वाज देयर फॉर अस एट द एयरपोर्ट टू अरेंज द बोट ट्रांसफर एंड ऑल। उसमें सब सब है मैम, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन इज देयर, बट एवरीवेयर इट्स रिटन दैट यू शुड बुक विद अ ट्रैवल एजेंट, रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट लाइक दिस बटन। यू कम टू डायरेक्ट बुकिंग है तो बराबर है, डायरेक्ट बुकिंग इज बेटर, बेटर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन इज मिलेगा आपको। हां, अदरवाइज इन ट्रैवल एजेंट गिव टू इस्माइल नंबर, इस्माइल तो एज पर हिम इट्स बेटर टू बुक डायरेक्टली थ्रू द समुद्रम वेबसाइट, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पर्सन के टच में रहेंगे एंड देयर विल बी नो मिडल मैन, सो कन्फ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। बट वी बुक थ्रू अ ट्रैवल एजेंट जिनके रिव्यूज़ हमने गूगल एंड ट्रिप एडवाइज़र पर पढ़े थे, एंड हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा। वी डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। मैंने ट्रैवल एजेंट डिटेल्स एंड हाउ टू द बुकिंग्स ऑनलाइन की सारी डिटेल्स अपने इस ब्लॉग में शेयर की है, सो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट यू कैन विजिट अवर ब्लॉग growingwithnemit.com। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट। इसमें डायरेक्ट बुकिंग है तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूंगी हाउ वी रीच्ड बंगरम आइलैंड फ्रॉम अगति, और हम एक्सप्लोर करेंगे बंगरम का बैक साइड एंड द शैलो लगून। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।